नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ मोहम्मद गमरान और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी गुलूकार माइकल जैक्सन कौन था? 150 साल की उम्र तक जीने की ख्वाहिश रखने वाला माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में कैसे मर गया? और बच्चों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के बाद शादियां करने वाला माइकल जैक्सन असल में क्या कारनामे अदा करता था? ये तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। प्यारे साथियों, दरअसल माइकल जैक्सन अमरीकी रियासत इंडियाना में 29 अगस्त 1958 को पैदा हुए थे। माइकल जैक्सन बचपन के अंदर इतने काले और इतने गंदे जैसम वाले चेहरे वाले इंसान थे जिन्हें देखकर कई लड़कियां हंसती तो कई लड़कियां इनसे दूर भाग जाती थी। जिसके बाद माइकल जैक्सन ने तकरीबन अपनी 12 साल उम्र के बाद इन्होंने अपने चेहरे के ऊपर एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जिसके बाद माइकल जैक्सन का चेहरा कुछ इस तरह से लगने लगा था। माइकल जैक्सन को देखने के बाद कई लड़कियां स्टेज के ऊपर गिरकर मर भी गई थी और कई लड़कियां माइकल जैक्सन की खूबसूरती को देखते हुए बेहोश आ जाती थी। माइकल जैक्सन को लड़कियों से बचाने के लिए कई पुलिस एहलकार और ऊपर से हेलीकॉप्टर भी मंगवाए जाते थे ताकि किसी भी किस्म का माइकल जैक्सन को लड़कियां नुकसान ना पहुंचा सकें। दरअसल 1993 में 11 साल बच्चे जोडी चैंडलर के एले खाना ने माइकल जैक्सन पर बच्चे से बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया था। उनका कहना था कि माइकल जैक्सन ने बच्चे के साथ एक शर्मनाक काम सरंजाम दिया है, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने इन इल्ज़ामात से इनकार किया था। ताहम एंजलस पुलिस ने माइकल जैक्सन पर घर पर छापा मारा तो माइकल जैक्सन घर पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने उस बच्चे के घर वालों को कुछ पैसे देकर इस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लिया। जिसके बाद साल 1994 में माइकल जैक्सन ने अनजानी अमरीकी गुलूकार एल्विस प्रेसले की बेटी लीजा से शादी कर ली जो सिर्फ तकरीबन 19 माह तक ही चल सकी। उसके बाद साल 2003 में पुलिस ने एक मरतबा फिर माइकल जैक्सन की न्यूरलैंड रेंज पर छापा मारा था और उसके बाद एक 14 साल लड़के गेवन आरविजा से बदसलूकी के इल्ज़ाम के तहत इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। माइकल जैक्सन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उन्हें हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने इस इल्ज़ाम को कबूल किया कि ये बात सच है कि मैंने बच्चे के साथ बदसलूकी की है, मगर मैं इस बच्चे के साथ शादी भी करना चाहता हूँ। अब बात ये करते हैं कि अब 150 साल तक जिंदा रहने वाला ये माइकल जैक्सन मर कैसे गया। दरअसल माइकल जैक्सन ने अपने आप को 150 साल तक जिंदा रखने के लिए ये हर वक्त अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए, हाथों के ऊपर दस्ताने लगाए रहते थे ताकि वो हर किस्म की बीमारियों से महफूज रह सकें। और इन्होंने अपनी क्लिनिक को घर को क्लिनिक बना रखा था जहां तकरीबन 12 डॉक्टर 24 घंटे माइकल जैक्सन के साथ होते हुए इनके तमाम तर हिस्सों की जांच पड़ताल किया करते थे। दरअसल माइकल जैक्सन 25 जून साल 2009 को एक इंजेक्शन के नतीजे में जिस्म में गैर मामूली मकदार में प्रोपोफोल नामी दवा की वजह से हरकत कलब बंद हो जाने के बायस 50 साल की उम्र में लॉस एंजलस में इंतकाल कर गए थे। दरअसल ये बात वाजिया हो चुकी है कि अगर कोई भी इंसान 150 साल जिंदा रहने के लिए चाहे कितना भी पैसा लगाए या कितने भी डॉक्टर बुलाए, मगर जब तक अल्लाह ताला की वो टाइम पूरा हो जाता है तब इंसान की मौत वाजिया हो जाती है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम तर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेकबान।